हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अजय शर्मा एंड डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ फिजिक्स सो डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू मेजर मीटर हम लोगों ने मीटर का डेफिनेशन पढ़ा था आफ्टर दैट वी लेंथ्स यस एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी देखी थी तो मैंने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिकल यूनिट्स याद करेंगे सो आई होप आप लोगों ने याद कर ली होगी तो हम लोगों ने पांच प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी द फर्स्ट वन वॉज फर्मी मीटर टेन इज टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर सेकेंड वन इज एंगस्ट्रोम वन एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू टेन की पावर माइनस टेन मीटर देन थर्ड वन इज एस्ट्रोनोमिकल यूनिट बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको कि दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ठीक है जो अर्थ और सन के बीच की जो आपकी एवरेज डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इट वॉज इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन इंटू टेन टू पावर इलेवन मीटर क्लियर है इसके बाद वी हैव सीन लाइट ईयर तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे लाइट ईयर है स्पीड यूनिट ऑफ डिस्टेंस डोंट गेट कंफ्यूज द यूनिट ऑफ टाइम ठीक है सो वन लाइट ईयर वन लाइट ईयर मींस कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है दैट द पाथ हम कैसे डिफाइन कैसे किया डिफाइन किया था इसको कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट है ना विथ थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड स्पीड इन वन ईयर तो बच्चों एक साल में इस स्पीड से वो कितना फास्ट ट्रेवल करेगी दैट इज योर लाइट ईयर सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया था वी हैव फाउंड दैट इट वॉज इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इन टू टेन डेज टू पावर टेन डेज टू पावर फिफ्टीन मीटर क्लियर है आफ्टर दैट वी हैव सीन द फाइनल यूनिट विच इज द्जेस्ट यूनिट पारसेक सो वी हैव सीन वन पारसेक वॉज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो सिक्स इन टू टेन एज टू पावर सिक्सटीन मीटर ठीक है बच्चो सो आई होप आप लोगों ने ये यूनिट्स याद कर लिया होगा सो दीज ऑल यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो बच्चो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है कि हम लोग लेंथ को मेजर कैसे करेंगे हाउ विल वी मेजर लेंथ देखो जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखा होगा कि वी यूज दैट मीटर स्केल यस आप लोगों की ज्योमेट्री बॉक्स में भी तो मीटर होता है बट जो आपके जो पास में मीटर होता है दैट इज 15 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है ना बट इससे भी आपके पास मोर एक्यूरेट एक्यूरेट भी होता है मीटर स्केल सो डियर स्टूडेंट्स तो चलिए वन बाय वन सारे मेजरमेंट्स की बात करते हैं सो इफ आई टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी हैव टू मेथड्स वन इज डायरेक्ट मेथड वन इज डायरेक्ट मेथड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड सेकेंड वन इज इन डायरेक्ट मैथड तो बच्चों डायरेक्ट मैथड कौन सा मैथड है वो मैथड जिसको हम लोग देख सकते हैं ठीक है या फिर जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं है ना जैसे कि मान लीजिए मीटर स्केल की बात करूं अगर मैं और यूजिंग मीटर स्केल मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है सो आई कैन डायरेक्टली मेजर दिस क्लियर है बट इफ आई टॉक अबाउट एन एटम तो अगर मुझे उस एटम की साइज के बारे में मेजर करना है तो आप डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते यू हैव टू यूज सम इनडायरेक्ट मेथड क्लियर हुआ सो डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिनको मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं सो so, इस डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है चलिए देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज वी हैव मीटर स्केल फर्स्ट ऑप्शन इज मीटर स्केल सो डियर स्टूडेंट्स मीटर स्केल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एफिशिएंसी है और आई कैन से इसका जो रिजोल्यूशन है वो कहां से कहां मेजर करता है ये टेन एस टू पावर माइनस थ्री मीटर से लेकर हंड्रेड मीटर तक ये मेजर कर सकता है एंड टेन एस टू पावर माइनस थ्री मीटर एमएम टू हंड्रेड मीटर तक ये मेजर कर सकता है ठीक है जो आपके घर पे जो कारपेंटर्स वगैरह आते हैं तो उनके पास होता है ना एक वो टेप टाइप का मीटर स्केल तो वही मेरा क्या है मीटर स्केल ठीक है बच्चों तो इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है मतलब कि अगर मुझे इससे भी छोटी कोई लेंथ मेजर करनी हो देन वी हैव वर्नियर कैलिपर देन वी हैव वर्नियर कैलिपर तो ये कितने से मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर तो ये बच्चों टेन एज टू पावर माइनस थ्री मीटर टू टेन एस टू पावर माइनस फोर मीटर तक ये आपका लेंथ मेजर कर सकता है इसके बाद हमारे पास है स्क्रू गोज़ है ना तो बच्चों हमें बस इनके नाम ही जानने हैं इसके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप अगर जान लो तो क्या दिक्कत है सो द थर्ड ऑप्शन इज स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर तो बच्चों वैसे ही आपके प्रैक्टिकल्स हैं वर्नियर कैलिपर ये आपके क्लास के प्रैक्टिकल्स में है बट देखते हैं स्कूल वाले करवाते हैं कि नहीं आपको स्क्रू गोज और अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हमारा टेन रेस टू पावर माइनस फोर मीटर टू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मीटर तक मेजर कर सकता है ठीक है ना तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं वी हैव थ्री मेथड्स वन इज मीटर स्केल तो अगर बड़ी लेंथ है तो उसके लिए मीटर स्केल यूज करूंगा मैं अगर उससे भी छोटा लेंथ है तो आई यूज वर्नियर कैलिपर अगर उससे भी छोटा है तो मेरे पास स्क्रू गोज और ठीक है बच्चों? तो देखिए वर्नियर कैलिपर से अगर मैं बात बताऊं आपको तो आप क्या कर सकते हो इनर डायमीटर भी मेजर कर सकते हो एंड आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हो ठीक है जैसे कि मान लीजिए ये तो बड़ा लुक मुझे इसका अंदर का अगर इनर डायमीटर मेजर करना है ना तो मैं इसकी हेल्प से यूज कर सकता हूं वर्नियर कैलीपर की तो देखो इसमें ऐसे गोज टाइप के बने होते हैं है ना सो इस टाइप का बना होता है, है ना तो इसको मैं क्या करूंगा इसके अंदर जो जहां का मुझे इनर डायमीटर मेजर करना है ना उसके अंदर मैं डाल दूंगा ठीक है तो वहां से मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो बच्चों ये अपना जब मैंने बी किया था वहाँ मैंने पढ़ा हुआ ये सारा मीटर स्केल्स वगैरह मीटर स्केल नहीं वर्नियर कैले स्क्रू गोज सेरोमीटर ये सब मेरा पढ़ा हुआ है ठीक है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल के लिए सो तो ये हमारे तीन डायरेक्ट मैथड हो गए अब हम लोग बात करते हैं इन डायरेक्ट मैथड सो तो बच्चों इनडायरेक्ट मैथड वो मैथड है जिनको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते जैसे कि मान लीजिए सपोज मुझे यहां से सन का डिस्टेंस मेजर करना है मुझे यहां से सन का डिस्टेंस मेजर करना है ठीक है मुझे मेजर करना है कि अर्थ से सन के बीच में कितना डिस्टेंस है तो आप ऐसा तो है नहीं कि यहां से आप मीटर स्केल लेके चले जाओ सन के ऊपर पॉसिबल है कैसा नहीं है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे पास कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मेथड है ठीक है सो इनडायरेक्ट मेथड उनके लिए यूज होते हैं जहां मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता ठीक है बच्चों तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड में भी आपके दो टाइप्स के हैं फर्स्ट वन कि इफ वी हैव टू मेजर वेरी लार्ज कि अगर मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर करनी हो जैसे कि मुझे अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है अगर मुझे वो मेजर करनी है तब तो इस टाइप इसमें आएगा आपका सेकंड थिंग फ आई वॉन्ट डू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस जैसे कि अगर मैंने लास्ट में क्या बताया आपको स्क्रू गोज बताया था ना स्क्रू गोज तो इसका जो लिमिटेशन वो कहां से कहां तक था कि ये टेन डेज टू पावर माइनस फाइव तक ही मेजर कर पाता था आपका यस yes. तो अगर मुझे इससे भी छोटा अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं कैसे मेजर करूंगा है ना यू कॉन्ट यूज इट डायरेक्टली तो मुझे इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा सो so बच्चों में बता दूं कि आपके पास कौन कौन से इनडायरेक्ट मेथड है ठीक है इतना आपके सिलेबस में नहीं है सो आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम ऑफ दोस फर्स्ट है कि आई कैन मेजर यूजिंग ऑप्टिकल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आई कैन मेजर यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बट बच्चो इसकी भी क्या है आपके पास लिमिटेशन है लिमिटेशन क्या है देखिए इसका नाम क्या है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो बच्चों जो अगर मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करूं ना तो इसमें जो आपकी कौन सा अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो उसमें जो आपकी विजिबल रीजन है ना विजिबल जो आपकी लाइट है वो मैं इसमें यूज करता हूं है ना तो जो आपका ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसमें हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं एंड अगर विजिबल लाइट का अगर मैं आपको वेवलेंस बताऊं तो वो होता है आपका 4000 थाउजेंड एंगस्ट्रोम टू सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रोम ठीक है तो अगर इस रेंज से अगर मेरा कोई बाहर चला जाएगा तो फिर मेरा ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा सो so उसके लिए फिर से हमारे पास दूसरा आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लियर है बच्चों सो आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम तो अगर ऑप्टिकल वाला भी फेल कर जाएगा तो हमारे पास है फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी फेल कर जाएगा तो हमारे पास एक मेथड और आता है जो रिसेंटली हुआ है विच इज लेट मी जस्ट गिव यू दैट नेम जस्ट ए सेकेंड टनलिंग माइक्रोस्कोपी दैट इज टनलिंग माइक्रोस्कोपी टनलिंग माइक्रोस्कोपी क्लियर है सो so, ये हमारे वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के मेथड्स हो गए क्लियर है बच्चों सो so, ये भी हमारे इतना सिलेबस में नहीं था बट अगर आपको ये नाम याद रहते तो अच्छी बात है है ना हो सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ ले कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना अगर कहीं ऑप्शन में दे रखा हो आपको कि स्क्रू मीटर टू तो मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना सो so, हो सकता है कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले बाकी एनसीआर जो आपके एग्जाम होंगे एन वाले एग्जाम होंगे उनमें ये बातें नहीं आएगी ठीक है अब है हमारा वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए कौन सा मेजर करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्पस वी हैव हैथड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस ये हमारा इंपॉर्टेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एनसीआरटी एग्जाम ठीक है तो यह आपका एनसीआर टी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बच्चों जो आपका ये है अगर मैं इसकी बात करूं कि जो पेराडेक्स मैथड है वो क्या है तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं देखिए इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी क्या करनी है कि आपके हाथ में पैन तो होगा ठीक है तो आप उस पैन को क्या करो कि दीवार की साइड में उसको ऐसे फिक्स करो एंड एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लो दीवार के ऊपर है ना आपको एक पॉइंट अज्यूम कर लेना दीवार के ऊपर एंड उसके सामने आप अपना ये पेन रखो ठीक है अब क्या करना है आपको कि एक आंख बंद करनी है आपको ठीक है क्लोज योर वन आई आफ्टर दैट क्या करना है कि आप उसको दूसरी आंख से देखो उस पैन को हो गया अब क्या करना है कि जो आंख पहले खुली थी उसको आप फिर से क्लोज उसको आप क्लोज करो एंड दूसरी आंख से देखो एंड जरा मुझे बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया बताइए क्या ऑब्जर्व किया आपने क्या आपको कुछ दिखा इसमें कि जो मेरी पोजीशन थी पेन की वो क्या हो रही थी चेंज हो रही थी आपको नजर आया क्या कर रहा हूं मैं कि मेरे पास कोई पैन है ठीक है और ये मेरा आई हो गया और ये मेरा दूसरा ठीक है तो मैं पहले इस पेन को इस आंख से देख रहा था एंड इसको मैंने बंद कर रखा है ठीक है सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेन आपका यहाँ पे है बट जब मैं इस दूसरी वाली आंख को बंद करूंगा इसको खोलूंगा ना तो आपको ये लगेगा कि ये जो पेन है आप का जो पेन है उसने थोड़ा सा अपना क्या कर लिया है पोजीशन चेंज कर लिया है ना ऐसा एक्चुअल में नहीं होता इट सीम्स अपेरेंटली है ना आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा पोजीशन है वो चेंज हो गया तो आप ये एक्टिविटी खुद से कर सकते हैं ठीक है एक्टिविटी समझ आ कैसे करना है कि मुझे किसी भी वॉल के ऊपर क्या मान लेना एक पॉइंट देख लेना है है ना एंड उस पॉइंट के आगे मैं अपना पेन रखूंगा एंड आई विल सी फ्रॉम द वन आई ठीक है एक आंख से देखूंगा दूसरी आंख को मैं बंद करूंगा फिर क्या करना है कि जो आंख आंख आपकी खुली थी उसको उसको बंद कर देना दूसरी से उसको देखना तो आपको नजर आ, आएगा कि जो जो मेरा ठीक है और यही जो आपका आपको जो लग रहा है ना ये मेरा पेन का पोजिशन चेंज हो गया इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैरलेक्स इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैरलेक्स एंड देखिए इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं तो जो आपका मेथड टू मेजर है दैट इज पैरलेक्स मेथड बच्चों क्लियर हुआ ये सो आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम माय नोट्स जो मैंने बनाए हैं यू कैन गेट दीज नोट्स ठीक है कैसे मिलेंगे आपको ये नोट्स कि यू हैव टू फॉलो माय फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद ए के तो वहां मैं इनको अपलोड कर दूंगा सो डियर स्टूडेंट्स पैरालेक्स मैथड इज एन इनडायरेक्ट मैथड ऑफ मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसिस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट

कब हो रहा है जब मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर रहा हूं है ना तो जो हमारा एक्टिविटी था जो हमारा एक्टिविटी था उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि उसमें हम लोग अपनी आई को चेंज कर रहे थे यस yes, हम लोग अपनी जिस आई से उसको देख रहे हैं उस पेन को वी आर वी वर चेंजिंग दैट आई तो जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा चेंज करने का मतलब क्या हुआ यहां पे कि हम अपनी आई को चेंज कर रहे थे ठीक है एंड हमें क्या नजर आया आ रहा था कि जो आपका पैन है दैट पैन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पैरलेक्स क्लियर है अब इसमें कुछ टर्म्स आती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट टर्म इज बेसिस फर्स्ट टर्म इज बेसिस तो बच्चों बेसिस क्या है कि जो हम लोगों ने टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना जो हमारे टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके बीच का डिस्टेंस उनके बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज बेसिस बात समझ आई जो हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे ना उनके बीच का जो तो डिस्टेंस है दैट इज योर बेसिस तो जो हमारी एक्टिविटी थी जो हमने एक्टिविटी ली है तो हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारा बेसिस क्या बनेगा और बेसिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन द आई डिस्टेंस बिटवीन द आई क्लियर है बात समझ आई हम लोगों ने इसको क्यों माना आई थिंक इट्स क्लियर नाउ समझ गए ना कि व्हाई आई हैव चूजन डिस्टेंस बिटवीन द आई एज बेसिस क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग वन आई टू सेकंड आई हम लोग उसको चेंज कर रहे थे सो योर बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देर फोर डिस्टेंस बिटवीन द आई इज बेसिस सो आई थिंक क्लियर हो गया आपका बेसिस चलिए नाउ इसके बाद देखिए ये तो हमारा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आई वाला बट मैं इसी प्रिंसिपल को यूज करूंगा किस प्रिंसिपल को पैरालेक्स को ही यूज करूंगा है ना एंड यूजिंग दिस प्रिंसिपल आई विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ और एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स टू मेजर to measure लिख लो साथ में कि तो टू मेजर डिस्टेंस डी ऑफ ए फार अवे पॉइंट फार अवे प्लेनेट पी क्लियर है व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस डी ऑफ ए फार अवे प्लेनेट पी कोई हमसे प्लेनेट पी दूर है हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं ठीक है पैरलेक्स मैथड बाय पैरलेक्स मैथड सो वी वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस यूजिंग पैरलेक्स मैथड ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कि हमारा एक्टिविटी था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि दो पॉइंट से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे ना तो यहां भी हम लोग वही करेंगे कि वी विल ऑब्जर्व दैट प्लेनेट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन सो आई एम राइटिंग ऑब्जर्व दैट प्लेनेट Observe that planet from two different positions from two different positions A and B at the same time. Okay? Why I am saying same time? Because dear students, you know every planet revolves so. क्या होगा उसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी है ना तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि किसी एक टाइम पर ही मुझे उन दो पोजिश पोजिशन से उसको देखना है सो आई एम ड्रॉइंग द फिगर लेट सपोज दिस इज माई पोजिशन ए ये आपका पोजिशन बी एंड आई एम सींग प्लेनेट पी सो ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो दिस ए बी ए बी को क्या बोलूंगा मैं ए बी इज वॉट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डेयर फोर दिस इज नोन एज बेसिस और उसको हम लोग बी से शो करते हैं सो ए बी इज इक्वल टू बेसिस एंड इक्वल टू बी. ठीक है और ये जो आपकी दिस इज योर डी ठीक है ये बच्चों ये आपका डी है एंड जो ये एंगल बन रहा है ना दिस एंगल थीटा दिस एंगल थीटा इज नोन एज पैरेलेक्स एंगल पैरेलेक्स एंगल और पैरालेक्टिक एंगल ठीक है इसको नोट कर लो दिस इज़ पैरेलेक्स एंगल और पैरालेक्टिक एंगल आई थिंक क्लियर हो गया कैसे आए देखिए जब मैं पहले यहां से देखूंगा तो जो मेरा डायरेक्शन होगा देखने का वो इस साइड होगा है ना और जब उसी सेम प्लेनेट को बी से देखा तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा तो इन डायरेक्शन के बीच में जो मेरा एंगल ना दैट इज योर पैरलेक्स एंगल और पैरालेक्टिक एंगल क्लियर हो गया नाउ डियर स्टूडेंट बात यह है कि जो आपका प्लेनेट है ना वो बहुत दूर है जो हमारा प्लेने, प्लेनेट है वो बहुत दूर है सो कैन आई से द डिस्टेंस कैपिटल डी डी इज मच मच ग्रेटर देन बी और डी अपॉन बी इज मच मच ग्रेटर देन क्लियर है तो जो मेरा थीटा होगा थीटा कैसा होगा फिर मेरा थीटा बहुत ही छोटा होगा थीटा इज वेरी स्मॉल ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखिए मान लो ठीक है डिस्टेंस आपका अभी ये है तो अगर मैं इसका डिस्टेंस क्या कर दूं बढ़ा दूं अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं तो आपने देखा कि जो मेरा एंगल है वो कम हो गया इफ आई एम फर्दर डिक्रीजिंग क्लियर है तो ये तो आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है ना देरफोर जो मेरा थीटा वो कैसा होगा वेरी स्मॉल होगा तो प्यारे बच्चों जब ये थीटा बहुत छोटा है तो जो आपका ये ए बी है जो आपका ये ए बी लेंथ है तो ए बी जो आपकी लेंथ है ए बी को मैं एक आर्क ऑफ लेंथ की तरह अज्यूम कर सकता हूं सो so, देखिए आप खुद देखो ना अगर मेरा थीटा बहुत छोटा है तो ये जो आपकी ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसको मैं एक आर्क ऑफ लेंथ की तरह ट्रीट कर सकता हूं, है ना क्योंकि कंपेयर टू डी जो आपका बी है वो छोटा है कंपेयरिंग टू डी जो आपका बी है वो बहुत ही छोटा है तो अगर ये बी छोटा है तो आई कैन ट्रीट दिस लाइक आर्क ऑफ ए बी कैन बी टेकन एज ए बी कैन बी टेकन एज आर्क ऑफ लेंथ आर्क ऑफ लेंथ बी क्लियर है सेंटर जिसका सेंटर कहां है जिसका सेंटर है आपका पीपर एंड रेडियस कितना है उसका डी ये बात क्लियर हुई एंड रेडियस डी क्योंकि बच्चों कि जो हमारा डी है ना डी डी के आपका बहुत ही ज्यादा है D is large, D large है डी 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 इज लार्ज तो तो जो जो आपका अपॉन बी बी विल मच मच ग्रेटर देन से मेरा थीटा हो, वो क्या होगा बहुत ही छोटा होगा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया यहाँ पे कि अगर ये कम होता तो आपका एंगल कितना होता ज्यादा होता है ना और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो मेरा एंगल है वो कम होता जाएगा है ना एंगल कम होता जाएगा और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये वाली भी बहुत ही कम होती जाएगी तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ना ट्रीट करके आई कैन ट्रीट दिस लाइक एन आर्क ऑफ लेंथ जिसका सेंटर कहां पर एंड उसका रेडियस कितना है डी क्लियर बच्चों सो नाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो थीटा इज इक्वल टू आई थिंक यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस

जो हमारा थीटा इक्वल्स टू तो एल अपॉन आर होता है उसमें जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है वो हमारा रेडियन होता है क्लियर हुआ दैट इज इन रेडियन सो क्लियर थीटा इज इन रेडियन सो चलते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला आया डी इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द डिस्टेंस डी तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे दो क्वेश्चन करेंगे दिस टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक सो वी आर टेकिंग एनसीईआरटी एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स सो जो पहला क्वेश्चन है आई थिंक यू ऑल हैव द एनसीईआरटी बुक सो यू कैन इजीली गोट दैट आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं बट स्टिल देखिए द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजिशन ए एंड बी ऑन अर्थ एंगल थीटा सबेड एट द मून बाई द टू डायरेक्शन सेवन मीटर कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सो डियर स्टूडेंट्स एक बार क्या करो देखो जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हो ना तो एक बार उस न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ो फिर आप पे वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ो ठीक है सो आई एम रीडिंग द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ तो अर्थ के ऊपर कोई दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है ए एंड बी तो इन दोनों पॉइंट से आई एम ऑब्जर्विंग मून सो लेट सपोज मून एम द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सो दीज आर द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है और बच्चों जो आपका थीटा है ना ये आप खुद मेजर कर सकते हो है ना क्योंकि जब मैं यहां से देखूंगा तो जो मेरा डायरेक्शन है वो इस ऐसा डायरेक्शन है जब मैं यहां से देखूंगा तो उसका डायरेक्शन इस साइड है सो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ठीक है नाउ दिस थीटा इज गिवन एज वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट अच्छा इस थीटा को क्या बोलते हैं याद है अरे बच्चों क्या बोलते हैं इस थीटा को दिस थीटा इज नोन एज योर पैरलैक्स एंगल और पैरलैक्टिक एंगल क्लियर है अब इसने बोला हुआ है गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी 1.276 तो ये जो आपका ए बी है ए बी मेरे क्या कहां पे पॉइंट है टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है मान लीजिए दिस इज आवर अर्थ तो टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब कि जो आपकी डायमीटर्स के यहां से ऐसे देख रहा हूं मैं ए एंड बी तो ये ए बी क्या हो गया दिस इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो गिवन है 1.276 टू पावर मीटर बच्चो मुझे फाइंड क्या करना है मुझे इस डी को फाइंड करना है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया क्वेश्चन क्लियर हो गया अब मुझे क्या करना है मुझे सिंपली क्या यूज करना है इसमें पेरलेक्स मेथड यूज करना है सो डियर स्टूडेंट्स तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है थीटा इज इक्वल टू देखो याद कैसे रखोगे थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस तो ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क बनेगा ना सो आई विल राइट बी अपॉन डी नाउ आई हैव टू फाइंड हैच विल बी इक्वल टू बीटा बी अपॉन थीटा बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो मेरा थीटा है वो मैं रेडियन में लिखूंगा बट क्वेश्चन में मुझे डिग्री में दे रखा है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, दिक्कत यही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट इनटू रेडियन ठीक है तो देखते हैं चलिए वन डिग्री फिफ्टी फोर मिनट्स को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा पहले तो सो आई विल डिवाइड दिस बाय सिक्सटी सो फिफ्टी फोर सिक्स टेन जा सिक्सटी टेन इंटू वन डिग्री सो दिस इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन टेन डिग्री क्लियर है इफ यू रिमेंबर दैट मैंने आपको बोला था कि आपको याद कर लेना कि वन डिग्री में, में मेरा कितना रेडियन होता है सो वन डिग्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू रेडियन ठीक है सो नाइनटीन अपॉन टेन डिग्री इसमें मेरा कितना रेडियन हो जाएगा 1.745 पॉइंट सेवन फोर फाइव इन टू नाइनटीन अपॉन टेन इंटू टेन पावर माइनस टू रेडियन बच्चों चलिए अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कैसे मेजर करेंगे सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट कैन आई डू इज जो आपका ये टेन है तो मैं इस टेन को देखिए फोर फाइव है जस्ट रिमूव दिस सो डिवाइड दिस बाय थाउजेंड क्लियर है सो आई विल गेट वन सेवन फोर फाइव इंटू नाइनटीन इंटू टेन रेस टू पावर थ्री एंड फोर थ्री इंटू फोर कितना होगा आपको फोर जब आपका ये फोर ऊपर जाएगा तो ये माइनस सिक्स रेडियन हो जाएगा अब बच्चों जो आपका ये 19 है इसको मैं अप्रोक्स ट्वेंटी ले सकता हूं ना ताकि मुझे कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेना पड़े इंटू ट्वेंटी इंटू टेन एच टू पावर माइनस सिक्स रेडियन ठीक है तो ये जीरो यहां से हटके यहाँ पे माइनस फाइव कर देगा अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो so, किसी भी नंबर को टू से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री फोर नाइन जीरो इन टू टेन रेज टू पावर माइनस रेडियन है ना अब मुझे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है तो ये क्या होगा यू विल गेट थ्री पॉइंट फोर नाइन इन टू टेन रेज टू पावर माइनस रेडियन ठीक है ये अप्रोक्स है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया है ना नाइनटीन को हमने टेन ट्वेंटी मान लिया तो ये जो हमारा क्या आ गया है? ये थ्री पॉइंट फोर नाइन ये हमारा वैल्यू आ गया ठीक है इसके बाद मुझे इस वैल्यू को इसमें पुट करना है तो चलिए बाकी मैं हटा रहा हूं आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सो बी इज वॉट वन पॉइंट टू सेवन सिक्स इंटू टेन टू पावर सेवन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट फोर इन इंटू टेन एस टू पावर माइनस टू ठीक है अब देखिए अब मुझे फिर से इसमें कुछ सोल्व करना है इसको सो so, आप डेसिमल हटा दो सो वन टू सेवन सिक्स तो यहां पे डिवाइड होगा यहां पे आपका डिवाइड होगा थाउजेंड से ऊपर आपका डिवाइड होगा हंड्रेड से इंटू टेन एस टू पावर सेवन और नीचे क्या टेन एस टू पावर माइनस टू सो ये ऊपर जाके बन जाएगा टेन एस टू पावर सो से so, आपका कैंसिल हो गया जीरो दिस बीवल टू वन टू सेवन सिक्स अपॉन थ्री फोर नाइन इंटू टेन टू पावर एट ठीक है बच्चों अब देखिए सो so, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है फोर अगर मैं फोर कर दूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थ्री पॉइंट एट इंटू टेन एज टू पावर एट मीटर क्लियर है क्योंकि जब मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नाइन हंड्रेड के आस, मतलब थाउजेंड के आसपास आएगा तो ये थ्री पॉइंट फाइव से ज्यादा ही बड़ी वैल्यू होगी तो आप ऐसे इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि आपको जो एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाने आने चाहिए नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीआर बुक इज इस बार दे रखा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर डायमीटर ऑफ द सन तो बच्चो मुझे इस बार गिवन क्या है थीटा इज गिवन एज वन नाइन टू डबल जीरो एंड द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इस बार क्या कि मुझे distance दे रखा है मुझे डिस्टेंस दे रखा है ियर एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन डे टू पावर इलेवन मीटर अच्छा आप लोगों ने ये कहीं पढ़ा है क्या ये वाला अरे बोलो बच्चों ये पढ़ा है आपने कभी यस yes, पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्पीक अप बोलो ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट And वो यही तो थी हमारी वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन एस टू पावर इलेवन मीटर सो इस बार हमें क्या है सन है आपका यहाँ पे अच्छा इस बार दे रखा ये सन का पूछ रहा है ये है ना सन से हम लोग देखो कहां पहुंचा दिया हम लोग को सन पे पहुंचा दिया इसने चलो कोई ना पहुंचा दिया तो पहुंचेंगे

तो अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो आई विल डिवाइड दिस बाई सिक्सटी एंड अगर मुझे इसको सेकेंड में चेंज करना आई विल डिवाइड दिस वन मोर टाइम्स ठीक है तो ये मेरा क्या बन गया फिर इसमें रेडियन में बन गया ना फिर वन रेडियन में कितना सॉरी न डिग्री बन गया ना ये डिग्री में बन गया आपका ये एंड यू रिमेंबर दैट डिग्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू रेडियन सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय टू पावर दिसंट रेडियन अरे बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आया समझ ये मुझे सेकेंड में दे रखा था तो सबसे पहले मैं इस सेकेंड को किसमें चेंज कर रहा हूं आई एम चेंजिंग दिस इंटू डिग्री मालूम है कि वन डिग्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव टेन टू पावर माइनस टू रेडियन क्लियर है अब देखो मैं इसमें विदाउट कैलकुलेटर फिर से मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा तो एक से एक कैंसिल कर दो ठीक है बच्चों ये नाइन टू नाइन प्लस टेन प्लस टू तो ये आपका थ्री से डिवाइड हो रहा है सो टू टाइम्स थ्री से इसको डिवाइड कर दो थ्री सिक्स एटीन एंड थ्री फोर यू कैन अगेन कट इट बाय टू सो क्या मिला मुझे थर्टी टू अपॉन सिक्स इंटू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू टेन एज टू पावर माइनस टू रेडियन ठीक है अब आप फिर से देखो इसको कट कर सकते हो किसी से यस yes, कहां से आई कैन फोर से फोर एट थर्टी टू फोर फिफ्टीन सो क्या मिला हमारे पास एट अपॉन फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस टू रेडियन अब देखो एट अपॉन फिफ्टीन फिफ्टीन सो कैन आई से इट अप्रोक्सीमेटली हाफ अप्रोक्स हाफ बोल सकता हूं ना क्योंकि एट अपॉन सिक्सटीन कितना होता है मेरा हाफ तो ये हाफ से कुछ छोटा होगा बट ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए मैं इसको हाफ ही लेके चल रहा हूं अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो सो यू विल गेट पॉइंट एट सेवन टू फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस टू रेडियन एंड यहां से एट पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री रेडियन अब बच्चों मुझे नहीं लगता आपको इसमें तो दिक्कत होगी कि ये 8.7 कैसे आ गया है ना हो सकता है क्या पता 0.8725 10 रे टू पावर -2 है है ना तो मुझे कैसे लिखना है इसको 8.7 में लिखना है तो मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस दैट आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 10 सो दिस इज इक्वल टू 8.725 एंड जो आपका डिवाइड में 10 है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास टेन की पावर माइनस थ्री आ जाएगा सो so बच्चों मैंने यहां से क्या फाइंड कर लिया आई थीटा इन रेडियन तो अब हमारा फॉर्मूला क्या थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज बी अपॉन डी तो मुझे इस बार बी फाइंड करना है क्लियर है सो बी विल बी इक्वल टू थीटा इन टू डी सो थीटा इज वॉट एट पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन डेज टू पावर माइनस थ्री इंटू वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन टू पावर इलेवन मीटर तो फिर से मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा सो कैन आई से एट पॉइंट सेवन टू फाइव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नाइन सो नाइन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस थ्री एंड इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू पावर इलेवन सो डर स्टूडेंट्स टू पावर माइनस थ्री और इसको जब एड हो जाएगा इजिली मल्टीप्लाई so कर सकते हो सो दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन नाइन वोट वन थर्टी फाइव सो थर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव ठीक है तो देखो अब आप मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि a इंटू टेन की पावर कुछ की फॉर्म में लिखना होता है मुझे तो ये जो आपका a होता है ना दिस वैल्यू फ्रॉम टू वैल्यून तो मुझे पॉइंट में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको टेन से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे सो so बैलेंस करने के लिए इसको टेन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सो दिस विल बी इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन एस टू पावर नाइन मीटर ये मेरा क्या है अप्रोक्सिमेटली रिजल्ट आया है ठीक है ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होगा हो जो आपके आंसर में ठीक है ना सो so, दिस is... तो ये हमारे दो एग्जांपल्स थे जो आपने एनसीईआरटी की बुक से किए सो नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज जैसे हम लोगों ने लेंथ के बारे में सब कुछ जाना है सिमिलरली हम लोग ऐसे ही मास के बारे में भी जानेंगे कि मास क्या है हमारा एंड उसकी रेंज क्या है सो डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ मास की बात करते हैं तो जो आपका टॉपिक है ना मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमने आज इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा कि जो हमारा पैरालेक्स मेथड है ना उसको हम लोगों ने पढ़ा सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था और फिर जो हमने एग्जाम्पल्स किए ना वो इंपॉर्टेंट थे ठीक है बट ये मेजरमेंट ऑफ मास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ लो है ना तो देखो मास क्या है मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है कौन सा बेस फिजिकल क्वांटिटी है क्लियर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है के जी क्लियर है इसका जो के होगा दैट विल बी इन स्मॉल लेटर क्योंकि के जी किलोग्राम नाम के कोई साइंटिस्ट नहीं है आई थिंक यू हैव रिमेम्बर दैट फ्रॉम माई सेकेंड वीडियो ठीक है देखिए केजी का जो डेफिनेशन है वो क्या दिया गया है ना बच्चों तो देखिए जो मेरी मोस्ट ऑफ़ यूनिट यूनिट है ना SI की जो है ना जैसे कि आपका मीटर हो गया के जी हो गया तो देखिए मैं यही ट्राई करता हूं कि जो मेरा ऐसा SI यूनिट कैसा हो कि जो आपका यूनिट है ना वो किसी कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करे वो किसी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करे ठीक है बट जो के जी है के जी किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता था आपका है ना तो के जी का जो तो डेफिनेशन दिया गया ना वो क्या दिया गया कि एक सिलेंडर होता है हमारे पास प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है वी हैव ए सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलोय दिख रहा है ना प्लेटिनम इरिडियम प्लेटिनम इरिडियम अलोय सिलेंडर क्लियर है बच्चों तो एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है हमारे कहां पे रखा हुआ है जो हमारा ये इंटरनेशनल ब्यूरो है ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर फ्रांस में ठीक है तो प्लेटिनम इरिडियम अलोय सिलेंडर रखा हुआ है हमारा आईबीडब्ल्यूएम फ्रांस में इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया केजी बोला है है ना तो जैसे कि हम लोगों ने क्या बात किया था अगर हम लोगों ने पढ़ा हो लेंथ के बारे में है ना तो लेंथ की यूनिट कैसे डिफाइन की थी कि दैट वाज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती थी ना बट मास के केस में या फिर के जी के केस में ऐसा कुछ नहीं था पहले नहीं था अब तो कर दिया गया मैं बता दूंगा के जी तो एक प्रोटोटाइप होता है प्रोटोटाइप है ना तो केजी का डेफिनेशन कैसे दिया गया कि द केजी इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलो सिलेंडर कि बच्चों जो इसका जो इसका मास है ना इस प्रोटोटाइप का जो मास है वही मेरा क्या है वन के जी है. है ना आपका अब प्रोटोटाइप क्या होता है देखिए आप कोई भी चीज बनाना चाहते हो जैसे कि मैं एक पेन बनाना चाहता हूं ये वाला है ना कि मैं क्या कर रहा हूं मैं नया पेन डिजाइन कर रहा हूं तो सबसे पहले आप क्या करोगे एक वो तो कंप्यूटर पे तो बनाओगे आप डिजाइन बनाओगे उसके बाद आप एक फर्स्ट बनाते हो ना फर्स्ट कि मुझे इस टाइप का मार्कर बनाना है सो so, सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे मार्कर एक साथ में बना दूंगा सबसे पहले आप एक मार्कर बनाओगे उसको चेक करोगे ना सबसे पहले अगर आप कोई नया डिजाइन निकाल रहे हो ना तो आप उसका एक फर्स्ट पीस निकालते हो पहला पीस निकालते हो एंड दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप ठीक है अब इस प्रोटोटाइप के ऊपर काफी सारी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं फिर इनकी कॉपीज निकालते हैं एंड इन्हीं कॉपीज को हम लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बात क्लियर हुआ वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप कि जो भी आपको अगर डिजाइन बनाना हो ना तो सबसे पहले इसको जो तो अब हम लोग फर्स्ट पीस बनाएंगे फर्स्ट पीस जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे दैट इज प्रोटोटाइप तो क्या है कि केजी का कोई यूनिट केजी को डेफिनेशन नहीं दे रखा है एक्चुअल में क्या है वो आपका एक प्रोटोटाइप है दिस इज इक्वल टू मास ऑफ अगर मैं केजी को डिफाइन करूं केजी इज मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर विच इज कैप्ट इन आईबीडब्ल्यूएम फ्रांस बात क्लियर होगी क्लियर है अब देखिए दिक्कत ये है कि इन केस अगर जो आपका ये सिलेंडर है इनकेस ये जो आपका प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है है ना ये कहीं से क्या हो जाए इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो जाए या फिर कैसे ना कैसे क्या हो जाए जाएग्रेट हो जाए इसका न्यूक्लियस है वो क्या हो जाए डिस इंटीग्रेट हो जाए या फिर ऐसा मां सोच लो कि किसी ने क्या कर दिया उसका छोटा सा टुकड़ा हटा दिया है ना छोटा सा टुकड़ा उसका हटा दिया तो दिक्कत क्या होगी कि हम लोगों ने जो आप उसका मास था ना उसी को वन के जी माना हुआ है जो आपका सिलेंडर है ना उसी को मैंने वन के जी माना हुआ है तो अगर आपका कुछ छोटा सा पार्ट हट जाएगा तो फिर तो मेरा मास का भी के जी भी आपका चेंज हो जाएगा ना के जी आपका चेंज हो जाएगा है ना के जी आपका फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि देखिए जैसे कि कुछ पार्ट हट गया तो जो मेरा प्रोटोटाइप है उसका मास कम हो जाएगा है ना तो इससे जो मेरा केजी का जो यूनिट है केजी जो का जो मेरा डेफिनेशन या फिर जो केजी जो मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो भी आपका चेंज हो जाएगा ठीक है ना इसीलिए क्या किया गया बच्चों कि जो हमारा रिसेंटली मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर 2019 मई 2019 में तो जो आपका जो ये केजी का जो डेफिनेशन है ना उसको रीडिफाइन किया गया केजी का जो डेफिनेशन है उसको रिडिफाइन किया गया अब रिडिफाइन कैसे किया गया कि जो मेरा ये सिलेंडर था ना प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर का उसको रिटायर कर दिया गया मतलब अब से क्या होगा 2019 के बाद से क्या हुआ है कि जो हम लोग के का जो डिफाइन करेंगे ना वो उस प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के ऊपर डिफाइन आपका नहीं होगा है ना उसको हम लोगों ने हटा दिया तो जो हमारा नया के बना है वो किसके इक्वल आया है आपका इक्वल नहीं बोलूंगा मैं रिलेट किया गया किससे रिलेट किया गया है वो आपका जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है ना इफ यू रिमेंबर प्लैंक्स कांस्टेंट तो जो आपका नया जो केजी का डेफिनेशन आया है दैट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट h बोलते हैं ना जिसको हम लोग टू e h म्यू ठीक है तो जो आपका नया केजी बना है ना वो किस पे डिपेंड करता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट एंड h क्या है मेरा एक कांस्टेंट है ठीक है तो जो भी आपकी जो यूनिट्स है ना वो यही ट्राई की जाती है इस आई बी डब्ल्यू एम के द्वारा कि वो सारी जो आपकी यूनिट्स है वो किस पे डिपेंड करे ओनली एंड ओनली किसी एक कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करे ताकि जो मेरी स्टैंडर्ड है वो बना रहे है ना वो वेरी ना करे ठीक है इसी तो मई में जो आपका ये हुआ था ना आई बी डब्ल्यू एम का मीटिंग तो उसमें दो आई थिंक कितने का चार का यस फोर फोर एस यूनिट को रीडिफाइन किया गया देखो ये आपके नॉलेज के लिए है, बाकी बुक्स में तो अभी तक ये वाली बात आई नहीं है है ना तो फोर एस यूनिट्स को रीडिफाइन कर दिया गया तो उसमें कौन कौन सी है पहली तो के ठीक है तो के की जो तो पहली जो आपकी प्रीवियस यूनिट थी वो किस पे डिपेंड करती थी एक प्रोटोटाइप था मेरा इरिडियम का उस पर डिपेंड करती थी अब नए में क्या आ गया वो है है। मतलब पे कर रही है। जो डेफिनेशन है, है, है वो भी चेंज हो गया है तो जो आपका नया आया है ना वो डिपेंड कर रहा है मेरा सॉरी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, है ना? चार्ज होने इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.9 पॉइंट नाइन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी तो वो इस पे सॉरी के जी से आ रहा हूं 10 19 होते है तो ये इस पे डिपेंड कर डेफिनेशन तो भी चेंज है। है? हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या था यूनिट मोल है ना इसका यूनिट तो इस जो आपका ये मोल है ना ये नया किस पे डिपेंड करने लग गया है अवग्रो नंबर पर ठीक है तो जो आपकी नई डेफिनेशन आई है ना नई डेफिनेशन जो इसकी आई है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की उसमें हमारा क्या यूज हुआ है एन ए दैट इज अवे नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो टू थ्री इंटू टेन इज टू पावर ट्वेंटी थ्री है ना तो इस पे जो आपका नया मोल का डेफिनेशन है वो डिपेंड करेगा तो फोर्थ चेंज हुआ है हमारा दैट इज टेम्परेचर तो बच्चों इस टेम्परेचर का यूनिट भी चेंज हो गया है यूनिट चेंज नहीं हुआ है यूनिट का डेफिनेशन चेंज हो गया है ना इन सबका यूनिट चेंज नहीं हुआ है बस इनके यूनिट का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है क्योंकि पहले क्या था किसी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती थी बट अब से क्या करने लग गई है कांस्टेंट्स पे डिपेंड करने लग गई है तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं पहले जो आपकी टेम्परेचर की जो डेफिनेशन थी ना वो किस पे डिपेंड करती थी इट वॉज वन अपॉन टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऊपर से जा रहा होगा बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करो ठीक है ट्रिपल पॉइंट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे अब जो नया इसका जो डेफिनेशन आया है कैलविन का जो कैलविन का जो नया डेफिनेशन आया है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा बोल्टसमैन कॉन्स्टेंट केबी पर एंड ये भी क्या है आपका कॉन्स्टेंट ही है तो अब से क्या हो गया है कि जो मेरी सातों यूनिट है ना जो मेरी सातों यूनिट है वो किसी ना किसी एक कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करने लग गई है पहले कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती थी अब सातों की सातों एक कांस्टेंट पे डिपेंड करनी लग गई है ठीक है केजी का नया यूनिट किस पे डिपेंड करता है प्लैंक्स कांस्टेंट पर ठीक है और केजी का जो नया डेफिनेशन आया है वो प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है एमपीय का जो नया डेफिनेशन आया वो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो मोल का जो मेरा नया डेफिनेशन आया दैट डिपेंड्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर केल्विन का जो नया नया डेफिनेशन है दैट डिपेंड्स ऑन बोल्ट्समैन कांस्टेंट ठीक है सो so ये आपको सिलेबस की बात है नहीं है बस आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि आप भी अप टू डेट रहें है ना अब हम लोग बात देखिए अब सपोज हमें क्या करना है कि मुझे किसी एटम का मेजर करना है कि एटम में कितना मास है ठीक है तो हम लोग वहां पे केजी तो यूज नहीं करेंगे है ना केजी तो आप यूज नहीं कर पाओ के क्योंकि जी का बहुत बड़ी यूनिट है I, अगर मुझे किसी एटोमिक मास का कोई मास अगर मुझे मेजर करना है तो वहां पे के जी आपका बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा सो so, इस केस में हम लोग यूज करते हैं हमारा एक नया यूनिट आता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ठीक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं वन यू एंड दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है? ये है अगर मुझे मुझे मेजर करना हो ठीक है बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मास को मेजरमेंट कैसे करते हैं मास की मेजरमेंट कैसे करते हैं तो बच्चों जब भी आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हो सो वो क्या यूज करता है वेट यूज करते है ना तो पहला था हमारा वही हो गया कि वेट बैलेंस ठीक है अब तो इसमें भी आपके डिजिटल आने लग गए है ना वेट बैलेंस भी आपके डिजिटल आने लग गए तो इजी हो रहा इजी हो गया सेकंड थिंग इज इफ वी वांट टू मेजर स्मॉल मासेस ऑफ एटम्स है is, atoms, ना अगर मुझे किसी एटम के मास को मेजर करना हो ना तो जो हमारा प्रोसेस है दैट इज जो हमारा मेथड uh, है दैट इज या फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफ ठीक है किसके यूज होता है बस आपको ये ध्यान रखना किसके लिए यूज होता है टू मेजर मास ऑफ एटम या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स ठीक है थर्ड वन इज मान लो मुझे कि सन का मास मेजर करना हो या फिर मुझे किसी प्लेनेट का मास मेजर करना हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड वहां पे हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड किसके लिए मास ऑफ सन और प्लेनेट ठीक है बच्चों ये होता क्या है देखिए हम लोग जो अपना जो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर होगा ना वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम वन अपॉन आर स्क्वायर तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करता हूं मास फाइंड करूंगा सन का ठीक है तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया अब मेजरमेंट के बाद में हम लोग बात करते हैं कि रेंज क्या होती है मास की रेंज ऑफ मास सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा जो लेंथ का रेंज था दैट वाज फ्रॉम टेन एस टू पावर माइनस फोर्टीन टू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी सिक्स मीटर ठीक है तो वैसे ही रेंज ऑफ मास कैन बी फ्रॉम टेन डेज टू पावर माइनस थर्टी के जी टू टेन डेज टू पावर फिफ्टी फाइव के जी देखो बहुत बड़ा रेंज है तो ये किसका मास होता है इफ यू रिमेंबर दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पढ़ा 9.1 पॉइंट वन इंटू पावर माइनस थर्टी के जी है ना अप्रोक्सीमेटली वही हो गया ठीक है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ये किसका मास है कि जो हमारा नॉन यूनिवर्स है ना उसका मास नॉन यूनिवर्स का मास ठीक है सो मास ऑफ नॉन यूनिवर्स ठीक है तो ये हमारी इसकी रेंज हो गई क्लियर है बच्चों सो द लास्ट थिंग इज टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ सॉरी टाइम तो पहले हम लोगों ने लेंथ का मेजरमेंट देखा उसकी रेंज देखी उसके मेथड्स देखे फिर हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा फिर हम लोग जो लास्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम क्लियर है बच्चों तो देखिए टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास है एक एटोमिक क्लोक जिसको हम क्या बोलते हैं एटोमिक क्लोक बोलते हैं या फिर उसको सीजियम क्लॉक बोलते हैं क्योंकि ये सीजियम वन थर्टी थ्री एटम का हम लोग इसमें यूज करते हैं ठीक है सीजियम वन थर्टी थ्री एटम का यूज करते हैं इसीलिए इसको हम लोग सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं ठीक है अब देखो वन सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया वन सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया है तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है ठीक है तो यहां से वो कुछ एनर्जी लेने के बाद क्या करता है वो दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना तो उसी तरह कि मेरा क्या करता है जो आपका सीजियम वन एटम है सीजियम वन एटम है इनमें भी क्या होता है आपका ट्रांजिशन देखो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग तो इसमें भी क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन किस में ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट है ना अब देखो बहुत डीप बात चली गई है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि हमारे हमारे पास क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है दूसरा एक एक्साइटेड एक एक स्टेट होता है बट बच्चों ग्राउंड स्टेट में भी हमारे काफी सारे क्या होते हैं हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं वी हैव हाँ? हाइपरफाइन लेवल्स ठीक है अब देखिए तो जो आपका CGS ये एटम होगा ठीक है तो ये क्या करेगा इसके इन दोनों के बीच में क्या निकलेगी फोटोन्स बोलते हैं उसको हम लोग या फिर रेडिएशन बोलते हैं अरे बच्चों देखो जब हम लोग कोई हमारा एटम या फिर कोई इलेक्ट्रॉन जब आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ रेडिएशंस निकलती है कुछ रेडिएशन निकलती है है ना सो डियर स्टूडेंट्स इज द टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर सो सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर इतना वाइब्रेशंस देख लो क्या वैल्यू दे रखिए वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियस सीजियम वन थर्टी थ्री एटम मतलब कि जो आपके वैल्यू देखे ना नाइन वन टू सिक्स थर्टी वन सेवन सेवनटी जीरो इतने वाइब्रेशंस में इतने वाइब्रेशंस को पूरा होने में मुझे कितना टाइम लगता है उसको क्या माना है वन सेकेंड माना है ठीक है बच्चों क्लियर हुआ कि वन सेकेंड क्या माना है वन सेकेंड इज द टाइम टेकन या फिर टाइम नीडेड फॉर दिस मच ऑफ वाइब्रेशन दिस मच ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन ठीक है वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन मतलब जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो क्या लेवल की, की बात की है ना तो इन टू हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में कितने वाइब्रेशन होंगे है ना कितने वाइब्रेशन होंगे इतने वाइब्रेशन होने में इतने वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा दैट इज योर वन सेकेंड ठीक है ना बच्चों क्लियर टाइम so टेकन या फिर टाइम नीडेड फॉर दिस मच ऑफ वाइब्रेशन ठीक है ठीक है ना तो इसमें ध्यान क्या रखना था आपको सिंपली कि जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक या फिर सीजियम क्लोक ठीक है तो जो आपकी सीजियस तो जो हमारा एलिमेंट कौन सा यूज करते हैं हम लोग आइसोटॉप कौन सा यूज करते हैं वी यूज सीज़ियम वन थर्टी थ्री आइसोटॉप या फिर सीज़ियम वन थर्टी थ्री एटम ठीक है अब आपको एक बात और बता दू मैं आपकी नॉलेज के लिए कि देखिए बच्चों इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी है कि अगर मैं टेन डेज टू पावर थर्टीन की बात करू ना तो इतने बार में आपका एक मुझे क्या मिलेगा एरर मिलेगा मतलब कि अगर मैं इतना मेजर कर रहा हूं ना उसमें से मेरा एक बार मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा ठीक है अगर ये वाली बात भी नहीं समझे तो देखो एक साल में एक साल में वन माइक्रोसेकेंड का इसमें क्या होता है एरर आता है सोच लो कितना इसमें क्या है एक्यूरेसी है एक साल के अंदर पूरे एक साल में कितने का एरर आता है आपका वन माइक्रोसेकेंड का एरर आता है माइक्रो टू पावर का एरर आता है ठीक है इसीलिए हम लोग सेकेंड को किसमें यूज करते हैं आई थिंक यू रिमेंबर दैट जब मैंने आपको लेंथ का बताया था ना मीटर का जब मैं आपको मीटर का डिफाइन कर रहा था तो वहां हम लोगों ने सेकेंड का यूज किया था क्योंकि सेकेंड जो क्या है बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट है आपका इसीलिए उसको हम लोगों ने यहां पे यूज किया इसके अंदर सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ तो जो हमारा ये यूनिट वाला पोर्शन था ना वो कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेजरमेंट का पोर्शन है मेजरमेंट का पोर्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी क्या? कि एक्यूरेसी क्या है प्रशियेशन क्या है हमारा आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस एरर टाइप्स ऑफ एरर ठीक है फिर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका मीन एप्सुलट एरर हो गया रिलेटिव एरर ऐसे हम लोग बात करते हुए चले जाएंगे ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो मैंने आपको देखो जो आपकी एनसीआर टी का जो लेवल है ना उससे बढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको है ना अब देखो इसमें जो आपको रिलेवेंट लगे वो याद रखो अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारा वैल्यूज या सारा वैल्यूज थोड़ी याद रखोगे आप तो मैंने लास्ट का बताया ना इतना वाइब्रेशन होना चाहिए तब तो जाके आपको एक सेकेंड होता है है ना तो वो याद रखने की जरूरी नहीं है उसमें है ना तो जो आपको रिलीवेंट लगे हैं वो याद रखो है ना वैसे इसमें आपको जो पैरलेक्स मेथड था वो इम्पोर्टेंट था एंड बाकी आपको वो मेथड्स के नेम याद रखने और बाकी कुछ याद नहीं रखना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक केयर बाय अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना फीडबैक जरूर दें अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय सी यू